भागलपुर स्थित किलकारी केंद्र के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। 7 दिनों से लगातार कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। आज अंतिम दिन बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी शिरकत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में किलकारी समेत कई संस्थानों के बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को उप मुख्यमंत्री व हजारों की संख्या में पहुंचे बच्चों और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बिहार के प्रमुख लोकगीत झिझिया, भागलपुर की बिहुला बिशहरी गाथा, शहीद तिलका मांझी की गाथा, छठ पूजा समेत कई कलाओं की प्रस्तुति दी गई। बच्चों के जबरदस्त प्रस्तुति पर उप मुख्यमंत्री भी मंत्रमुग्ध हो गए। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि किलकारी बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उसको उभारती है, भारतीय संस्कृति से बच्चों को रूबरू कराती है, भारतीय परंपरा को यह बच्चे सहेज सके हैं। भागलपुर के छोटे बच्चों में इतनी प्रतिभाएं दिखी वह सबसे अलग है, हम तो आह्लादित हो गए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सभी बच्चों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। सबसे प्रसिद्ध गाथा है बिहुला बिशहरी की, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य भवन भागलपुर प्रमंडल का लगातार यह कार्यक्रम चल रहा था 1 सप्ताह से, आज उसका समापन है और इस समापन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला है। किलकारी बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, खास करके कला के क्षेत्र में और जो विभिन्न जीवन का आयाम है उन क्षेत्रों में, उसको उभारती है और भारतीय संस्कृति और जो भारतीय हमारी लोक परंपराएँ हैं, जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा रही है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों को रूबरू कराते हैं और समाज के सभी कमजोर वर्ग के बच्चे इससे जुड़ते हैं और जिससे कि वो अपने संस्कृति को, अपने हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको वो कहीं ना कहीं सहेज सके। सर, आप कई कार्यक्रम में गए होंगे, यहाँ क्या अलग दिखा? नहीं, बिल्कुल अलग दिखा कि छोटे बच्चों में इतनी प्रतिभाएँ दिखी और संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, जो आप देखे होंगे जो कई जो प्रस्तुति यहाँ हुई है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके प्रतिभा को दर्शाती है और बच्चों में इतनी प्रतिभाएं और इतनी योग्यताएं हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी हमको आह्लादित किया, काफ़ी अच्छा लगा।